जी गुदा की सलाम जी आप सबके साथ मैं वॉटसन गिल यूरोपन कमीशन ने चंद दिन पहले एक ईमेल भेजी हमें जैसे कि आप जानते होंगे कि ये पाकिस्तानी मशीनों के हवाले से हमने एक पटिशन जो है थी वो दाखिल की वाला के वाक़े के बाद हमारी यूरोपन कमीशन में एक मीटिंग हुई और हमने ए, इस हवाले से अपनी पटिशन जो है वो जम, जमा कराई थी और अपने शदीर दखमसे का इज़ार किया था तफजात का इज़ार किया था कि पाकिस्तान में मसीहों के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकबले बर्दाश्त है पाकिस्तानी मसीह जो है, पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के तौर पर ट्रीट किया जाए लेकिन इस तरह नहीं होता तो हमने जो पिटिशन में बहुत सारे और नुक़ात उठाए थे वहाँ पर हमने जी एस पी प्लस स्टेटस के वाले से भी हमने आ, सवाल उठाया था कि जैसे पाकिस्तान में जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान को ग्रांट किया गया दस साल के लिए 2014 से लेके 2024 सब 31 अब दिसंबर को उसकी आखिरी तारीख थी तो हम तो खैर दो हज़ार से ही इस बात पर वो शोर कर रहे थे कि जनाब आप जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसको मशरूत करें गो कि उसमें सत्ताईस कन्वेंशन हैं जिनमें इंसानी हकूक़ की बात की गई लेकिन अकलीतों के हवाले से खूसी तौर पर हम उनको कह रहे थे कि जनाब आप थोड़ा सा अपनी शरात को सख्त करें हुत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएं कि वो अकलीयतों को बराबरी के हकूक़ के हवाले से इकदाम करें और जो भी इम्तियाजी सलूक हो रहा है वहाँ पर मसीियों के साथ या तो दिगर अकलीतों के साथ ए, उनको रोका जाए कतई तौर पर भी हमने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान को ये स्टेटस जो है वो नहीं मिलना चाहिए जी एस पी प्लस का क्योंकि इससे पाकिस्तान को तकरीबन छः बिलियन डॉलर का सालाना फ़ायदा होता है पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वो यूरोप की मंडियों में बगैर टैक्स के बहुत बड़ी छूट के साथ ये होता है तो ए, हमने कभी भी नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को इन, ये जो मराहत दी जाती हैं इनको बंद किया जाए क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर है ख़राब है और पाकिस्तान के लिए ये कतई तौर पर बेहतर नहीं है लेकिन ए, हम ये ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो अकलीतों के साथ जो कुछ हो रहा है तो उनके जो जिम्मेदारान हैं उनको इस तरह मादर पिदर आज़ाद ना छोड़ा जाए उन हवालों से हकूमत को बड़ा सख्ती के साथ निपटना होगा इन हालात को लेकर जैसा कि आपने देखा जड़ावाला में उल्टा मछियों के, के ख़िलाफ़ ही एफ आई आर कट गई और अगर कोई एक आद कोई बंदा होगा भी समय तो बाकी जिन्होंने जलाओ घेराव किए जिन्होंने चर्चे जलाए जिन्होंने लोगों के घरों को जलाया उनको कुछ लोगों को उठाएंगे बंद करेंगे और उसके बाद फिर उनको छोड़ देंगे इस हवाले से भी जब हम इस मीटिंग में मौजूद थे यूरोपियन कमीशन में तो इस मीटिंग के अंदर बैठे बैठे ए, हमारे कुछ दोस्तों ने वहाँ पर बताया क्योंकि यूरोपियन कमीशन के जो आला अफसरान थे उन्होंने हमें बताया कि जनाब आपके पाकिस्तानी क्रिश्चन जो हैं उन्होंने कुछ ई भेजी हैं जो डीजर्स है हमारे कि जनाब पाकिस्तान में यानी जो जड़ा वाला के वाक के जिम्मेदारान है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है लोगों को बीस बीस लाख का चेक मिल गया है और सब कुछ हरा भरा हो गया अच्छा हो गया हमारी बड़ी बस व हुआ एजाज भाई एजाज महथू ज़ुल्फ़कार में और भी दोस्त थे तो हमने काफ़ी बैस व किया और इवन बड़े सख्त तलख हमारे वो हुए यूरोपियन कमीशन के अफसरान के साथ के ए, गोजरा में भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था गोजरा को जलाने वाले जो थे उन, उन जिम्मेदारान को गिरफ़्तार किया गया था हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया था एक बंदा कोई एक बंदा भी आ, आज जेल में या उसका उसका उ, उसको किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं हुई सब आहिस्ता आहिस्ता ये, ये सिर्फ लोगों को पकड़ा जाता है ताकि जो दुनिया भर में ये दिखाया जा, जा सके कि जो अकीलतों के साथ इस करते हैं हम उनको गिरफ़्तार कर दें लेकिन किसी को भी सज़ा नहीं शांति नगर के दरान को देख लें आप गो, गोजरा के जिम्मेदार को देख लें आप के केिमेदारान को देख लें आप तहसील टाउन को देख लें आप कॉलोनी के केिमेदार को देख लें बताएं मुझे किसी एक को सज़ा नहीं हुई तो हमने ये कहा कि जनाब ये जड़ा वाले वाले पकड़े हैं आपने इनको भी आप देखेंगे कि जैसे ही दुनिया का प्रेशर कम होगा आप इनको छोड़ देंगे वीडियो बनाने का आज का जो मेरा मकसद आप लोगों से आपको बताना कि एक तो ये कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जिक्र करते हैं अक्सर कि हमारी जो है वो पटिशन् जाती हैं या वो पतन उठा के कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं या उनका कोई हमें फीडबैक नहीं मिलता तो कतई तौर पर भी ऐसा नहीं हमारी पटिशन्स की हमेशा हमें फ़ीडबैक मिलते हैं अपडेट हमें मिलती है वहाँ से और अभी जो ताज़ा मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तीन दिन पहले मुझे जर्मन कमीशन की जानब से एक ई मेल मौसूल हुई दो ई मेल थी जिनमें बताया गया कि जी पाकिस्तान चूँकि यूरोपियन यूनियन अभी जी एस पी प्लस स्टेटस के हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुँची उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बहुत सारे ममालिक हैं जिनके जी एस पी प्लस स्टेटस की जो तोसी है वो कर रही है तो उस हवाले से उन्होंने और टाइम लिया लेकिन टम्प्ररी तौर पर इसको दो हज़ार तक बढ़ा दिया है तो जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को मिल रहा है दो तक यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो इसमें बिजी है वो मीटिंग्स में है और इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इस हवाले से ए, कोई फ़ैसला जल्द करेंगे वो वो क्या फ़ैसला होगा वो हम नहीं जानते लेकिन ए, ए, दो तीन दिन बाद आज मुझे फिर ई मेल मौसूल हुई है यूरोपियन कमीशन की जानब से और उन्होंने मुझे वो फैक्ट शीट जो है वो और रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से वो मुझे भेजी उन्होंने जो कि 28 सफात पर मुश्तमिल है और वो आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई तो मैंने इसको कुछ थोड़ा सा देखा है कि कौन से नुकात हैं और हम अपनी टीम के साथ बैठकर उन जो नुकात ऐसे हैं जिनके ऊपर हम मजीद डिटेल के साथ जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने कहाँ तक ये हमारी उन बातों को इग्नोर किया है या कहाँ तक उनको लेके चले हैं वो जाहिर है कि हम जब बैठेंगे अट्ठाईस सफ़ात की ये रिपोर्ट है फैक्ट शीट है इसमें हम बैठ देखेंगे कि हम और कहाँ तक यूरोपियन यूनियन को कह सकते हैं और कहाँ तक पाकिस्तान की हुकूमत के साथ वो इस सवाले से रबता कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जुलाई जून या जुलाई में 2022 में जब मीटिंग की थी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ इन हवालों से तो हमने उसके बाद फ़ौर बाद हमने एक मीटिंग की थी जिस जो जो इसी यूरोपियन कमीशन के यही अलीम थे जिनके साथ हम बैठे थे